द फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम लेने से एक हिम्मत एक ताकत मिलती है। नेताजी को ये नाम यूं ही नहीं मिली, ये नाम जनता ने उन्हें दिया है उनके परिश्रम और देश की आज़ादी के लिए उनके योगदान को देखते हुए। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस, जो पेशे से एक वकील थे, और उनकी माँ का नाम प्रभावती था। नेताजी ने सन 1909 में अपनी प्राइमरी की शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सन 1920 के इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में 4th रैंक लाने वाले नेताजी अपने देश के आज़ादी के लिए ICS से इस्तीफा दे दिए। आज़ादी के लड़ाई में गांधी जी के तरीकों से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से भी रिजाइन कर दिया। अपने देश के लिए 11 बार जेल गए। 1930 में स्वराज पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़े हुए और जीत हासिल कर कोलकाता के मेयर बन गए। सन 1940 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जाने पर उन्हें नजरबंदी बना के रखा गया अपने ही घर में। जनवरी 1941 की रात को नेताजी अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस और मियां अकबर शाह की मदद से भाग निकले। सन 1942 में नेताजी को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने उन्हें नेताजी उपनाम दिया जब वे जर्मन में तैनात थे। 18 अगस्त 1945 जर्मनी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 3rd डिग्री जलने से हुई नेताजी की मृत्यु, लेकिन उनकी मृत्यु अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है।